सो ऑलमोस्ट एक वीक रायसन और नथान में बिताने के बाद आखिरी दो दिनों के लिए हमने अपना डेरा जमाया जोस्टल दोभी में। एक हॉस्टल होने के बाद भी दिस प्लेस हैज द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ अ कंट्री होम। ओवरलुकिंग फॉजल स्ट्रीम एंड द ग्रेट हिमालयन स्काईलाइन, ये जगह एकदम आइडियली प्लेस्ड है हमारे मिशन के लिए, जो है कुल्लू और मनाली के पास के कुछ आइकॉनिक कैफेज और रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करना। Our food journey started with the place that I had seen around a decade back on my all-time favorite food and travel show, Highway on My Plate. And being a fish lover, yahan aana to banta hi tha. जब यहाँ आने का सोचा था ना, तो प्लान ये था कि यार रिवर साइड पे कुर्सी बिछा के पानी में पाँव डाल के, ऑल्दो आई नो कि पानी काफ़ी ठंडा होने वाला है, लेकिन आराम से वहाँ बैठ के खाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भगवान का कुछ और ही प्लान था। तो और अगर फोरकास्ट भी देख रहे हैं, आज कल दोनों दिन का घमासान बारिश होने वाली है, बट नेवरदलेस बाहर बैठने का प्लान तो नहीं हो पाया। आई जस्ट होप कि ट्राउट जैसा सुना है वो वैसी ही हो, उतनी टेस्टी हो, वो आने पर पता चलेगा। लास्ट टाइम मैंने जब ट्राउट, एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैंने हिमाचल में ही खाई थी, इट वॉज इन एंड अराउंड जीबी, एंड नाउ अगेन बैक इन हिमाचल, सो कांट वेट। सो ट्राउट इज वन वेराइटी ऑफ फिश जो फ्रॉम वॉट आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट नेटिव टू इंडिया, लेकिन जितने भी अपर हिमालयन रीजन्स हैं, कश्मीर हुआ, हिमाचल की जितने भी हायर रेंजेस हैं, वहाँ पे ट्राउट इज वेरी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑथराइज ट्राउट फिश फार्म भी रहते हैं। आई थिंक जीबी के एपिसोड में वी कवर्ड वन सच फार्म। सो एक चीज़ जो ट्राउट के बारे में जनरली रहता है कि द मीट इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी डिलेक्टेबल, और बोन बहुत ही कम रहती है। आई डोंट नो, इनका जो मैरिनेशन है ऊपर से तो काफ़ी सही लग रहा है, एक बार अंदर से चख के देखते हैं। साथ में व्हाट वी हैव इज सम अकम्पनीमेंट्स विद दिस चटनी, जो मेरे को चटनी एक्चुअली लिटरली बहुत ही सही लग रही है। सो दिस हैज़ धनिया, प्याज और अनारदाना, और ट्राउट के साथ तो पता नहीं, बट एटलीस्ट फ्राइज के साथ तो बहुत ही सही लग रही है। एक चीज, फिश डेफिनेटली फ्रेश है। फिश का बहुत ज़्यादा मैं उतना जितना खाना चाहता हूँ उतना खा नहीं पाता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे ये पता है कि अगर फिश स्मेल नहीं कर रही हो ना, दैट मींस वो एकदम बहुत ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रखी है, बहुत ही जल्दी एक्चुअली पानी से निकाली है, एंड इट्स ऑन योर टेबल। दूसरी चीज़ जो मसाला है, इट्स नॉट जस्ट ऊपर की लेयर में, अंदर तक मसाला इन्होंने कट्स लगा के डाला हुआ है, एंड दैट्स वाई When you take that first bite, तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर मसाला और अंदर bland, it's completely consistent, and along with some fresh veggies and इनकी ये in-house chutney, it's really good. So बारिश ने भले ही साथ ना दिया हो, ये कह सकता हूँ कि it's a good start to the day. हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भले ही करीब 20 किलोमीटर दूर है, बट इस बिन मौसम बरसात और क्लाउड प्ले ने इस ड्राइव को काफी अमेजिंग बना दिया।
लुक एट द ग्लेज ऑन दैट यार, क्या लश शाइनी चमक रहा है. सो मार्टिन्स ना, इट हैज़ इम्प्रेस्ड मी इवन बिफोर आई स्टार्टेड ईटिंग इट. सबसे पहले जब मुझे इस जगह के बारे में पता चला, व्हाट आई गॉट टू नो वाज कि ये सिर्फ संडेज को ओपन होती है. सो दैट वाज टिक नंबर वन. कुछ स्पेशलिटी है कि पूरे हफ्ते नहीं मिलती, कुछ एक सेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी है इसमें. दूसरा, टू गेट दिस ग्रिल चिकन विच इज़ अपेरेंटली देयर सिग्नेचर डिश, यू हैव टू मेक अ रिजर्वेशन. नॉर्मल इफ़ यू कम एज अ वॉक इन, यू कैन ट्राई ऑल ऑफ देयर मेन्यू, लेकिन ये नहीं मिलेगा. ये तभी मिलेगा अगर आप पहले एक दिन या कुछ दिन पहले आप रिजर्वेशन करा के रखें. एंड द थर्ड थिंग इज द एंटायर सेटअप. इट टुक द ड्राइव टू दिस प्लेस, द व्यूज फ्रॉम दिस प्लेस एंड फाइनली सिटिंग हियर. इट कुड बी, इट्स लाइक कि एक बैंगलोर या गुड़गांव का एक एल्फ्रेस्को डाइनिंग प्लेस, उसको वहाँ से उठा के पहाड़ों के बीच में यहाँ पे सेटअप कर दिया. वुडन बेंचेस, व्यूज ऑल अराउंड. इनफैक्ट भाई ये बारिश, इट्स थोड़ा सा ओवरकास्ट आज, इसीलिए बाहर लॉन में इनकी सिटिंग नहीं है, वरना लॉन से तो पूरा बैकड्रॉप ऑफ माउंटेंस. बट ऑल सेड एंड डन, बिना एक बाइट खाए हुए भी आई एम इम्प्रेस्ड. So starting with the wings, alright, it's actually tasty. First thing first, ऊपर का crunch, अंदर का softness. It's very well grilled. ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ part कच्चा है. At least एक wings जो try किया, that's very well cooked. But the glaze, I don't know if it's barbecue sauce, but crunch, glaze and the softness of the meat. और थोड़ा सा बायस मैं इसलिए भी हूँ बिकॉज ऑफ द लोकेशन. तो अगर फूड में भी 7/10 भी हो, द लोकेशन इज एक्चुअली 20/10. मार्टिन्स के बाद आई डिसाइडेड टू वॉक थ्रू ओल्ड मनाली. जस्ट अ फ्यू माइल्स अप फ्रॉम द मॉल रोड, दिस पार्ट ऑफ मनाली हैज अ यूनिक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन. फ्रॉम विंटेज कैफेज टू सुवेनिर स्टोर्स टू बोहो शॉप्स, दिस प्लेस इज लाइक वॉकिंग थ्रू अ हिप्पी ट्रेल. एंड इवन दो दिस साइड ऑफ द टाउन इज नॉट दैट बिग, स्लोली स्ट्रोलिंग बाय द स्ट्रीट्स इज अ वंडरफुल फीलिंग. Located almost at the end of Old Manali's Rocky's Cafe. Although पेट काफी भरा हुआ था, but sometimes you don't go for the food, you go for the views.
आफ्टर ओल्ड मनाली आई वॉक डाउन टू द मॉल रोड. हमेशा की तरह द प्लेस वॉज पैक्ड विद टूरिस्ट. थैंकफुली मौसम बहुत ही अच्छा था सो आई डिडंट माइंड टेकिंग अ वॉक हियर. लेकिन इस भीड़ भाड़ में ज्यादा देर रुका नहीं गया एंड आई वॉक्ड अहेड इन सर्च ऑफ अ हिडन फूड स्टॉल. ओके जी, इट्स लाफिंग टाइम. तो फर्स्ट टाइम मैंने हैड इट वॉज इन बीड़. बीड़ की मेन मार्केट में एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे भी हैड दिस लेडी वॉज प्रिपेयरिंग इट. मुझे बाद में पता चला दिल्ली में मजनू के टीले पे भी मिलती है, अभी तक कभी जाना नहीं हुआ. बट मनाली में व्हेन वी फाउंड दिस प्लेस, तो यहाँ दो वेराइटी है. एक है जो सूपी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कोल्ड सूप, इट्स नॉट रियली वार्म एंड हॉट, जो शायद इस वेदर में ज़्यादा बेटर रहता. सो एक सूप वर्जन है और एक नॉन सूप वर्जन है. हमने दोनों ही लिए हैं, लेट्स ट्राई क्या डिफरेंस है एंड आई विल लेट यू नो. लाइक आई सेड, इस वेदर के हिसाब से कोल्ड सूप उतना ज़्यादा नहीं जा रहा. प्लस जनरली इट्स वेरी स्पाइसी, मैंने उनको बहुत कम स्पाइस डालने को बोला है, तो भी थोड़ा सा तीखा है. बट लेट मी सी, एज ऑफ नाउ प्रेफरेंस मेरी शायद ये ना हो, बिकॉज फॉर दिस वेदर आई एम नॉट टू श्योर. ऑल राइट, सो दिस इज वॉट आई रिमेंबर. ये काफ़ी हद तक वैसी है जो मैंने लास्ट टाइम खाई थी. थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बता दूं, जो इसकी बाहर का ये लेयर होता है, बाहर का जो ये कवरिंग रहती है, दिस इज़ ये मैदा का बना होता है, पूरा एक बेस होता है. उसके अंदर इनके कुछ अपने स्पाइसेस रहते हैं, चिली चटनी रहती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गार्लिक अदरक लहसुन, इसकी भी ये उसका भी एक पेस्ट रहता है. एंड देन डिपेंडिंग ऑन आपका स्पाइस लेवल, वो उतना ही उसमें और ज़्यादा उसको तीखा बनाते हैं. दिस इज द वन दैट आई हैड इन बीर, एंड टू बी ऑनेस्ट डेफिनेटली ये वो फ्लेवर है जो फेमिलियर है, एंड दिस इज द लाफिंग दैट आई वुड प्रेफर. तो दिल्ली पंजाब में जैसे ढाबों में दाल और बटर चिकन पॉपुलर होता है, वैसे ही हिमाचल में आई वॉज टोल्ड दैट बिफोर लीविंग वन शुड ट्राई मीट एंड राइस. और एक दो लोगों ने इसी जगह का रेफरेंस दिया कि ये आई थिंक क्लोज टू 50 इयर्स नाउ दे आर रनिंग दिस प्लेस. बहुत ही लिमिटेड आइटम्स है, वेरी बेसिक सेटअप. अगर टेबल पे भी ध्यान दो तो सिर्फ चावल, मीट, प्याज, मिर्च, दैट्स इट. वेरी बेसिक सेटअप. रोड साइड है, नॉट वेरी फार फ्रॉम कुल्लू मनाली हाईवे. एंड या इट्स टाइम टू डिग इन और देखें कि दिल्ली की दाल रोटी को मैच कर पाता है हिमाचल का मटन और राइस. तो एक चीज़ विच वॉज अ प्लेजेंट रिलीफ, कि इतनी ज़्यादा डार्क ग्रेवी लग रही थी ना, मेरे को लगा बहुत ज़्यादा तीखी होगी, बहुत ज़्यादा मसाले होंगे, बट वैसा नहीं है. आई थिंक द कलर इज बिकॉज कि उसको काढ़ काढ़ के वो कंटिन्यूसली जो सुबह से बनती है वो उसको स्टर कर करके और ज़्यादा पका पका के वो डार्क हो गई है. बट वेरी लिमिटेड, वेरी माइल्ड मसाला विच आर रियली गुड. और क्योंकि अच्छे से इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ मटन में दिख रहा है, बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट, बहुत ही आसानी से एकदम टूट रहा है. जनरली आई एम नॉट रियली मच ऑफ अ मटन फैन, बट ओवर हियर वन थिंग इज़ फॉर श्योर, एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है, बिकॉज
इतने सालों की जो मसालों का एक्सपीरियंस है वो इस प्लेट पे पता चल रहा है। सॉफ्ट मटन, माइल्ड बट फ्लेवरफुल मसाले एंड एकदम सिंपल सी जगह, नो नथिंग फैंसी अबाउट इट, लेकिन रोड साइड पे है, बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और यू कैन हैव अ क्विक बाइट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो दिस इज कॉल्ड टिपिकल ऑथेंटिक पहाड़ी हिमाचली फास्ट फूड। Even though Manali often overshadows the small town of Nagar, but its ancient vibes offer a warm welcome to anyone who decides to drop in. Located here amidst breathtaking forested hills, the Nagar Castle is an impressive amalgamation of European and Himalayan architecture. It is said that no nails or iron has been used in the construction, and the doors here have been made using a single piece of wood. Built over 500 years ago, today it is run by HPTDC as a heritage hotel. With such an impressive setting, one can enjoy a meal or a beverage with picturesque views. So we clearly went overboard. हम हैं दो इंसान लेकिन हमने चार केक मंगाए बिकॉज एवरीथिंग लुक सो डिलिशियस। आई जस्ट होप दे टेस्ट एज गुड एज दे लुक। लेकिन सबसे पहले मेरी नज़र गई थी वहाँ पे कैरेट केक है, मैंने कहा यस। फिर लगा तिरामिसू, वो भी लेना है। फिर शिव को मैंगो केक चाहिए था, वो भी किया। फिर हमने कहा फिर ये आई थिंक दिस इज बनाना वॉलनट, हमने कहा इसको अकेला क्यों छोड़ दें। बट आई हर्ड गुड थिंग्स अबाउट दिस प्लेस, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। I think the clear winner for me is tiramisu. It is so light, so moist. मुझे थोड़ा सा banana walnut dry लगा। I like the carrot cake as well. And surprisingly mango cake, मेरे को उतना mango flavor नहीं है, but it is moist, it is soft, it's very fresh. लेकिन tiramisu, I think that's the winner. इतना सब खा लेने के बाद पेट तो भर गया था बट दिल नहीं, और इस दिल की क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बन गया कि अटल टनल क्रॉस करके आज का दिन एंड करते हैं लाहौल में। Get there someday. Wait on me. Wait.
जोश जोश में प्लान तो बना लिया, बट ये नहीं ध्यान रहा कि आज संडे है और उसकी वजह से जैसे जैसे अटल टनल के पास पहुंचने लगे वैसे वैसे भीड़, गाड़ियां और जैम बढ़ने लगा। अब इससे पहले कि कहीं फंसते, आई डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द प्लान एंड टेक अ यू टर्न। और पहाड़ों का तो ऐसा है कि इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर स्पॉट और अ प्लेस, किसी भी डायरेक्शन में निकल जाओ, कोई भी ऐसा टर्न ले लो जो कोई और ना लेता हो एंड यू विल फाइंड अ प्लेस ऑल टू योरसेल्फ। आज के लिए बस इतना ही चाहिए था। और जहां तक लाहौल की बात रही, वेल वहां कभी और सही। I still...